नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूवीडीए न्यूज। आपने बहुत तरह के स्कैम के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस स्कैम का खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं वो आपको चौंका कर रख देगा। अगर आपका पैसा भी पीएफ में जमा होता है तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ झोला छाप कंसल्टेंट आम आदमी के पीएफ में जमा पैसों को डकार गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। आपको बता दें, हमारे चैनल के माध्यम से जुलाई 2019 में यूवी इंडिया न्यूज ने पीएफ विभाग नोएडा में 6 करोड़ से अधिक के घोटाले का पर्दाफाश किया था, जिसमें पीएफ विभाग ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन 184 आरोपितों में से किसी पर भी मुकदमा दर्ज कराने में विफल रहे थे। इस घोटाले में 220 कंपनियों में धोखाधड़ी की गई है और इस धोखाधड़ी में पीएफ विभाग में कर्मचारियों के अलावा कंपनियों के एचआर विभाग एवं कंसल्टेंट, या यूं कहें झोला छाप कंसल्टेंटों की अहम भूमिका रही है। इस घोटाले में कर्मचारियों के पीएफ का पैसा एचआर विभाग एवं झोला छाप कंसल्टेंट ने डकार लिया था। यह घोटाला दिल्ली मुख्यालय की स्पेशल ऑडिट टीम एवं आंशिक धोखाधड़ी विश्लेषण और प्रबंधन कमेटी उत्तर जोन के द्वारा 2017 से मई 2018 तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय नोएडा में किया गया था। तब लॉ ऑफ लेबर एडवाइजरी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग तथा ये भी मांग की थी कि आरोपितों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आपको बता दें, इसी तरह का घोटाला क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग कार्यालय मेरठ में भी हुआ है, लेकिन पीएफ विभाग के कर्मचारियों ने मामले में लीपापोती करके उसे दबा दिया है, जबकि उस वक्त तमाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अलावा श्रमिक नेताओं ने भी मामले की जांच करके दोषियों को सजा दिलाने की मांग की थी। इस घोटाले में लिप्त झोला छाप कंसल्टेंटों पीएफ विभाग के कर्मचारियों को बचाने के लिए लीपापोती की जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये घोटाला आखिर हुआ कैसे। अब हम आपको बताते हैं कि फ्रॉड किस तरीके से किया गया है। राम और श्याम दो लोग हैं। राम और श्याम का पैसा रमेश ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। कैसे ट्रांसफर कराया ये देखिए। राम का पीएफ का फॉर्म भरा गया और श्याम का पीएफ का फॉर्म भरा गया। का फॉर्म भरा गया, राम के साइन फर्जी किए गए पीएफ के विड्रॉल फॉर्म पे और श्याम के भी साइन फर्जी किए गए। अब आती है जब पीएफ का फॉर्म भरते हैं तो उस समय हमें बैंक की डिटेल के लिए बैंक की चेकबुक या बैंक की पासबुक की कॉपी हमें लगानी होती है, तो उस कॉपी में फोटोकॉपी उसकी लगाई जाती है और उस फोटोकॉपी में हमने गलत तरीके से उसको पेश करके उसमें चेंज करके और उसमें फर्जी फ़ोटो लगाकर हमने उसको वहाँ पर फॉर्म में कर दिया। अब इसके बाद आते पूरी सेट को जो हमने विड्रॉल फॉर्म है उसमें कंपनी का जो मालिक है उसमें हस्ताक्षर करता है, उसमें साइन करता है। उसमें इन लोगों ने क्या किया कि हस्ताक्षर भी मालिक के इन्होंने फर्जी कर दिए। कई जगह पे हालांकि कंपनी के मालिक ने साइन किए हैं, लेकिन यहाँ केवल इस वजह से कंपनी के मालिक को दोष देना कि उसने साइन किए हैं, क्योंकि जिस कंपनी में 4000 आदमी काम कर रहा है या 2000 आदमी काम कर रहा है, तो कंपनी मालिक के लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक एक एम्प्लॉई का अकाउंट और एक एक एम्प्लॉई का चेहरा वो ध्यान रख सके। जबकि यहाँ पर नेग्लिजेंसी आप कह सकते हैं कि हाँ कंपनी की तरफ से नेग्लिजेंसी हुई है, लेकिन कंपनी इसमें आरोपित नहीं हो सकती है। ऑडिट रिपोर्ट में भी माना गया है कि कंपनी को आरोपित नहीं बनाया गया है, लेकिन उनकी नेग्लिजेंसी इसमें शो की गई है कि हाँ कंपनी की तरफ से नेग्लिजेंस। तब न्यायालय में परिवाद संख्या 2025-2022 के तहत आरपीएफसी बनाम अभिषेक कुमार श्रीवास्तव आदि के ऊपर धारा 420, 468, 120 बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें पीएफ विभाग की तरफ से उदित कुमार सिंह के द्वारा पैरवी की जा रही है। कई अभियुक्तों को न्यायालय में समर्पण कराकर जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है। क्या अभियुक्तों को रिहा करने से जिन कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी हुई है या उनके पैसे हड़प कर लिए गए हैं, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? इस घोटाले को अंजाम देने के लिए जाली चेकों का इस्तेमाल किया गया, साथ ही फर्जी बैंक अकाउंट सहित फर्जी साइनों के द्वारा पैसों का गमन भी किया गया। ऐसा है, ये जो मामला है पीएफ का, इसमें सीधे सीधे मजदूर का पैसा जुड़ा हुआ है,
और मजदूर के खून पसीने की कमाई है। इसमें कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जिनका सरगना है अनिल सिन्हा, वो लोगों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके ये एक दलाली होती है। और अब ये तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने इसके अकाउंट से मजदूरों के पैसे निकालने का काम किया है। ये एक तरीके से गबन है, 420 है, अमानत में खयानत का मामला। मैं बीएन सिंह गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ और मेरे संज्ञान में आया है कि पीएफ में जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है उसके जिम्मेदार झोला छाप कंसल्टेंट हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारियों का जो पैसा जमा किया जाता है उसमें कुछ झोला छाप लोगों द्वारा हेरा फेरी करके वो पैसा निकाला गया है, जो कि काफ़ी लंबा घोटाला है और इसमें घोटाले में एक लंबी फहरिस्त है। प्रोविडेंट फंड विभाग द्वारा जो रिफंड मामले में एक बहुत बड़ा आर्थिक अपराध हुआ है, उसमें हमें ये लगता है कि जिन्होंने एक्चुअल में अपराध किया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उसके उल्टा जो हमारे कारखाना मालिक हैं, जो कंपनी ओनर्स हैं, उनको विभाग द्वारा टेलीफोन किए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको एक तरीके से डर उनके दिल में बैठाया जा रहा है। तो ये विभाग और विभाग के संबंधित जो भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये गलत कार्य हो रहा है। आज होना ये चाहिए कि जिन्होंने भी ये अपराध किया है उनको जेल के पीछे भेजा जाए और जो हमारे कर्मचारी हैं, जो कारखाना ओनर्स हैं, जो कंपनी मालिक हैं, उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना हो। इसी के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हम आपको पीएफ विभाग से जुड़े तमाम घोटालों के बारे में जल्द ही अवगत करेंगे। और जिस तरह झोला छाप कंसल्टेंट ने आम आदमियों का पैसा गमन किया है उन्हें क्या सजा होती है, इन्हीं सब अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूवी इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।